ऑटो में सवार महिला चोरों की गैंग ने एक महिला के पर्स से 1,16,000 रुपए के जेवर चोरी करने का मामला लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। पुलिस ने तिलक नगर कामठी निवासी साधना शेषराव गोसावी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार साधना शुक्रवार की दोपहर अपनी बहू शालू के साथ सोने के कुछ जेवर बेचने के लिए इतवारी जा रही थी। रैनाला से दोनों ऑटो में सवार हुई। उस समय ऑटो में 3 महिलाएं पहले से सवार थी। मारवाड़ी चौक पर दोनों ऑटो से उतर गई। बाद में बैग की जांच की तो छोटा पर्स और उसमें रखी अंगूठी व सोने की माला गायब थी। उन्होंने ऑटो में सवार महिलाओं द्वारा चोरी किए जाने की शिकायत साधना ने लकड़गंज पुलिस से की। इस संदर्भ में लकड़गंज पुलिस थाने की पुलिस निरीक्षक पराग पोटे ने अधिक जानकारी साझा की। काल दिनांक 19/2021 रोजी फिर्यादी नामे साधना गोसावी ही कामठी येथून तिचे नातेवाईकासह जाऊसह सोन्याचे दागिने बनवण्याकरता इतवारी येथे निघाली असता तिच्या शेजारी 3 संशयित महिला बसलेल्या होत्या। नंतर ती मारवाडी चौकात उतरली असता 2 संशयित महिला पहिलेच उतरून गेल्या आणि तिने मारवाडी चौकात आटोवाडीला पैसे देण्याकरता पर्स बघितले असता तिच्या पर्समधून 1,00,000 रुपयाची सोन्याची पोत आणि 16,000 रुपयाचे इतर दागिने असे 1,16,000 रुपयाचे दागिने गहाळ झाले होते। दोन्ही संशयित महिलांविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल आहे। याद्वारे मी असे आवाहन करतो की जर कोणी अशा ऑटो रिक्षामध्ये किंवा पब्लिक ट्रान्सपोर्टमध्ये महिला कोणी आपल्या ऐवज घेऊन जात असतील तर त्याची स्वतः काळजी घ्यावी आणि कोणी संशयित महिला बाजूला बसल्या असेल तर ते आपल्या हातात सेफ ठेवावं। इस मामले में पुलिस द्वारा फिरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।